लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर बैनर्जी का दिल्ली से तो उदास क्यों हो गए हो? कोई बुरी खबर आई है दिल्ली से? दिल्ली से आज तक कभी कोई अच्छी खबर आई है? लेकिन तुम छुपा क्यों रही है मुझसे? बात ही कुछ ऐसी है पत्मा, मुझे नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने सुख दुख मुझसे नहीं बांटोगे तो और किससे बांटोगे? इस वक्त तो मैं कुछ भी बांटने के काबिल नहीं, मेरी हालत ही कुछ है। तो मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को आने में देर लगेगी, तुम्हें देर पे हाथ दे देना। अच्छा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अपने साथी से अपनी खुशी बांट रहा हूँ। किस चीज की? मैं ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया हूँ। मुबारक हो, मगर तुम तो खुशी ऐसे बांटते हो जैसे डाकू मुसाफिरों को रास्ते में घेर लेते हैं। क्या तुम्हें ये डाका पसंद नहीं? आई एम सॉरी डैडी। आओ बेटी बेटे, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी माँ की आंख में कुछ गिर गया था, उसे निकाल रहा था। ओके ओके। छोटे कहके तुम तो बच्चे की आंख में धूल झोंकने से भी बात नहीं आते। तो क्या कहता? उसकी माँ को गले लगा रहा था, चूम रहा था। अब छोड़िए चूंझ ले, चलो जल्दी नाश्ता कर ले। चलो भाई। क्या बात है? राजू बहुत शोर मचा रहा था सर, फिर राज हो गए, हम उसी को ढूंढ रहे हैं।
आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे को नहीं मिलता, मैं आप लोग को नहीं मिलूंगा। हेलो डॉक्टर साहब। तुम वहाँ क्या कर रहे हो लटके हुए? मैं लटका हुआ नहीं हूँ, मैं अटका हुआ हूँ। चलो नीचे आओ। जो ऊपर नहीं मिला वो नीचे क्या मिलेगा? कौन? मेरा बापू। तुम्हारा बापू तुम्हें मिल जाएगा। कब डॉक्टर साहब? जब तुम ठीक हो जाओगे। कब ठीक होऊंगा? जब तुम दवा खाओगे। दवा कब खाऊंगा? जब तुम्हें दी जाएगी। कब दी जाएगी? इसी वक्त। चलो नीचे। सिस्टर। यस सर। राजू को ले जाओ और इसे दवा दो। डॉक्टर साहब मेरा बापू मेरे को मिल जाएगा ना? मेरा बापू डॉक्टर साहब मेरे को मिलाएंगे बापू से। अशोक, अशोक। क्यों मामा जी, आज क्या हुआ? जो रोज होता है बेटे, दिल धक 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 करता है और नर्व रेलगाड़ी की तरह भाग रही है। बेटे ये गाड़ी कहीं स्टेशन पहुंचने से पहले कहीं रुक न जाए। मामा जी अभी आपका स्टेशन बहुत दूर है, आपको बीमारी बीमारी कुछ नहीं, सिर्फ बहन। अशोक बापू आ गया, मेरा बापू आ गया, मेरा बापू आ गया। कौन है बापू? आप मेरे को छोड़ के चले गए। अरे नहीं बापू, अरे बापू, मेरा बापू, कौन है? कौन तुम? डॉक्टर साहब मेरा बापू मेरे को भूल गया, बिल्कुल नहीं पहचानता। अब मेरे को भूल गया बापू? कौन बाप और कौन बेटा, ये कौन है ये? मैं बताता हूँ मामा जी, इधर आ राजू। तुम्हें पूरा यकीन है ये तुम्हारे बाबूजी हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा खून मेरे बापू का खून एक है, आप काट के देख लो। अब मैं को भूल गए बापू। तुम इनके साथ जाना चाहते हो ना? इनके साथ नहीं जाऊंगा डॉक्टर साहब, तो किधर जाऊंगा? मेरे बापू के सिवा मेरा और कौन है डॉक्टर साहब? ठीक है, हम तुम्हें इनके साथ भेजेंगे। पहले जाकर अपने आंसू पहुंचो, कपड़े वपड़े बांधो अपने कमरे में जाकर, हाँ फिर हम तुम्हें इनके साथ भेजेंगे। अब हम तैयार होकर आते। डॉक्टर साहब मेरे बापू को जाने नहीं देना, नहीं तो मैं फिर रहूंगा। नहीं राजू, हम नहीं जाने देंगे। हाँ। जाओ तुम तैयार होकर। बापू कमाल है, मैं अपनी बीमारी का इलाज कराने आया था यहाँ, ये तुमने कौन सी बीमारी लगा दी मेरे पीछे? इस लड़के की बड़ी दुख भरी कहानी है मामा जी। जिस एक्सीडेंट में इसका बाप मारा गया था उसी एक्सीडेंट में इसके दिमाग को एक जोर का झटका लगा और बिगड़ गया। हो सकता है आपकी शक्ल इसके बाप की शक्ल से मिलती हो, इसलिए तो आपको देखकर खुश हो गया। तुम इससे असली बात कब तक छुपा सकते हो बेटे? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? डर लगता है, शायद इसका दिमाग दूसरा झटका ना बर्दाश्त कर सके। मामा जी अगर आप इसे अपने घर ले जाएं, हो सकता है आपका प्यार पाकर इसकी बीमारी अच्छी हो जाए। उसकी बीमारी तो अच्छी हो जाएगी बेटे, मेरा क्या होगा? तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरा घर घर नहीं चिड़िया घर। बेटे मैं चलूं, उसके आने से पहले मैं चल। तबीयत तो ठीक है? तुम आ गए? नहीं तो क्या, तुम समझती थी मैं नहीं आऊंगा? ये अंदर ठकाठक क्या हो रहा है? हमारा बेटा तिजोरी तोड़ना सीख रहा है। तिजोरी? तुम बैठो बैठो, मैं शरबत लेके आता हूं। अरे शरबत क्या मेरे लिए, तुम जहर ले आओ। अरे सुनो, अरे 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 पगले क्या कर रहा है जो आप देख रहे हो? अरे इसमें मेरे बाप दादाओं की पूंजी है। आपके बाप दादा अगर ऊपर चले गए तो ये पीछे क्यों रह जाए? मेरे को पैसा चाहिए, मनी मनी। क्यों मनी? मेरे को ड्रामा खेलना है राजा हरिश्चंद्र का। दादी
राजा हरिश्चंद्र और तू, अरे कुछ पढ़ना लिखना सीख, तेरे काम आएगा, ये सब राजा हरिश्चंद्र काम नहीं आएगा। मामी देखो जारी फिर मेरे को पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुम कौन से पढ़े लिखे हो, क्यों सताते हो, जाने दो। कहाँ? जेल में ताला तोड़ने वालों की वही जगह है। जारी अगर मैं ताला नहीं तोड़ूंगा तो क्या तोड़ूंगा? प्रोफेसर पैसे मिलेंगे। हाँ। ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का है। थैंक यू। मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे अपने पार्टनर से लो जिससे मिलकर तुमने ये धंधा शुरू किया है। बाप रे, कितना बड़ा घर है मेरा बापू का, नवा घर बनाया। बापू, मेरे बापू आप किधर हो? बापू, बापू कौन है तुम? मैं मेरे बापू का बेटा हूँ। क्या चाहते हो? मेरे को मेरा बापू चाहिए। मालूम होता है तुम अंधे हो, अगले घर जाओ। चलो। मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे को सब दिखता है। आप कितने मोटे हैं? मैं बहरा नहीं हूँ, मेरे को सुनने में आता है। आपकी आवाज अच्छी नहीं है। मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। चलो तो मेरे को बापू चाहिए। बापू क्या शोर मचा? मेरा बापू, मेरा बापू, मैं सच के हो जाऊँ मेरे बापू के। बापू धोती ऊपर करो, मेरे को आपके चरण छूने। नहीं नहीं, क्या करो? मेरे को आपके चरण नहीं नहीं क्या? बापू, बापू मेरे को आपके चरण, बापू बापू मेरे को आपके चरण छूने के। कौन है ये? सच तेरे की, अभी तक आपको मालूम नहीं पड़ा, ये मेरी माँ के मर्द है और मैं इनकी औरत का बेटा हूँ। ये मेरे बापू है। ये तुम्हारा बेटा है, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना बापू, आप इससे क्यों डरते हैं? खामोश। समझी, इसीलिए तुम मुझसे डरते थे कि तुम्हारे पाप का भांडा फूट ना जाए। कैसा भांडा भाग्यवान? ये भांडा जो मेरे घर आकर फूटा है। तो तुम्हारा एक और खानदान भी है, एक और बीवी भी है, एक और बेटा भी है। अरे सुनो मेरी बात। मैं कुछ सुन नहीं सकती। अरे सुनो मेरी बात, सुनो। कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे तुम्हें गलत फहमी हो गई है भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। बापू वो कौन है? हम लोग की नौकरानी है। हाँ, नहीं नहीं, वो मेरी पति है, मेरा मतलब है पत्नी है। लेकिन तुम कौन हो? बापू आप घड़ी घड़ी ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरा दिल टूट जाता, मैं आपका बेटा हूँ। अरे मैं एक बेटा नहीं संभाल सकता। तुम रेडीमेड कहाँ से आ टपके? निकल जाओ यहाँ से। बापू मेरे को भूख लगी है। तुमको भूख लगी है? आओ बेटे मुझे खाओ। मैं आपको कैसे खा सकता हूँ? मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरा बापू है। क्या हो रहा है इस वक्त? जो तुम देख रहे हो तुम्हारी पैकिंग कर रही है। हमारी पैकिंग तो बरसों पहले हो गई, जिस दिन तुमने हमें लपेट कर अपने पल्लू में बांध दिया। अशोक बेटा मारे गए, मामा जी आ गए। भगवान जाने अब कौन सी बीमारी लेकर पधारे हैं। अशोक अशोक अशोक। अरे मामा जी आप? हाँ बेटे मैं, मेरा दिल गेंद की तरह उछल रहा है, मेरी नस चक्रे की तरह चल रही है। छू मामा जी, नफ्स का चलना तो जिंदगी की निशानी है, कोई और अलामत बताइए। अरे दूसरी अलामत नहीं, मुसीबत है जो तुम्हारे अस्पताल से मेरे घर में पड़ी हुई है। राजू? हाँ और नहीं तो क्या, पहले ही घर में जीना मुश्किल था, अब तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। राजू जब भी मुझे बापू कह के पुकारता है तो तुम्हारी मामी यानी मेरी पत्नी मेरे दिल में सुइयां चुभो चुभो के कहती है। अच्छा तुम्हारी एक और पत्नी भी है, तुम्हारा एक और खानदान भी है, तुम्हारा एक और बेटा भी है। कोई भी औरत क्यों ना हो ऐसा ही कहेगी मामा जी। तुम्हें तो राजू की पूरी कहानी मालूम है। मामा जी को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना खोया हुआ बाप मिल गया। वाह वाह, उसको खोया हुआ बाप मिल गया, लेकिन मेरा क्या होगा? आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा मामा जी, लेकिन एक बिगड़ा हुआ दिमाग ठीक हो जाएगा।
बस जैसे मैंने कहा था, आप कुछ दिनों के लिए उसे अपना बेटा बना लीजिए। तुम्हारी मामी को कौन समझाएगा, उसे देखते हो तो मैं कांप जाता हूं। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, इस समस्या का मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल दूंगा, आप रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, जैसे तुम कहते हो बेटे, चल मैं चलता हूं। चला मां, चल बेटा। हे भगवान, तुम्हारा भी जवाब नहीं, क्या क्या खेल खेलते हो। मैं पूछती हूँ, कल कोई दूसरी औरत यहाँ आके तुम्हें अपना पति कहे तो मैं उसे क्या कहूँ दीदी? तुम्हारे जो मन में आएगा ना वो कह देना, पहले मैं जरा दरवाजा बंद करता हूँ। तुम अपना रुमाल भूल गए हो, ये लो। थैंक यू। अभी ये क्या, तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम है हम शादी के बाद पहली बार जुदा हो रही है। अरे पद्मा, मैं इंग्लैंड या अमेरिका थोड़ी जा रहा हूँ, अपने दोस्त की शादी पे उसके गांव जा रहा हूँ, दो चार दिन में लौट आऊंगा। क्यों वहाँ कोई भूखे शेर घूमते हैं? मजाक छोड़ो और सुनो, पानी उबाल के पीना। हम पानी पियेंगे नहीं, सीधी बोतल मुंह को लगा लेंगे, यहाँ तो तुम्हारा खुमार रहता है, हम बोतल से गुजारा कर लेंगे। और कोई आगे देंगे? सुनो, जरा उस गांव पहुंचा दो।
चाहिए। आखिर आप आ गए ना, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, तो हाथ क्यों रही है? वो आ गए हैं। कौन आ गए? उनका नाम मैं अपनी मुंह से कैसे ले सकती हूँ? वही तुम्हारे बहनों ही। बहनों? राधा, तो तुझे भूल गई है? क्या बात करते हो भैया, जिन्हें मैं भूल नहीं सकती उनके बारे में भूल कैसे कर सकती हूँ? चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ, चलो ना। मैंने देखा उन्हें, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। राधा, तेरी आंखों को धोखा हुआ है। नहीं भैया नहीं, मैंने उनके पांव छुए, उनसे बातें की और फिर मैं तुम्हारे पास भागी भागी चली आई ये बताने के लिए कि वो तुम्हारे बहनों में आ गए हैं। क्या कह रहे हैं तू, वो कैसे आ सकता, कैसे आ सकता? राधा, क्यों नहीं आ सकते? मेरा मतलब है उसे वहाँ बहुत काम होगा और फिर आता तो सीधा घर ना जाता। घर? हाँ हाँ, घर गए होंगे, मैं भी जाती हूँ। हाँ, इसे बात तो ठीक है। अरे भाई सफाई कर, जल्दी करो। अरे क्या करता, गिर जाएगा वहां से। हाँ हाँ, इसे बांध दे। यही है हमारे मुंसिब साहब। हेलो अशोक। हेलो जसवंत। आखिर तुम पहुंच गए ना, मुझे तो डर था तुम्हारे मरीज तुम्हें रोक ना ले। वो तो रोक रहे थे, लेकिन मैंने कहा अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरे दोस्त की शादी नहीं होगी, वो कुमारा रह जाएगा। मुंसिब साहब, ये है अशोक, मेरा क्लासमेट, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। ओ बेटा, अपने दोस्त के नहाने का इंतजाम करो। मुंसिब साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कहो। जब से इस गांव में आया हूं, जो भी मुझे देखता है बस देखता ही रह जाता है। हर आदमी मुझे ऐसे घूरता है जैसे कोई भूत आ गया। और तो और, रास्ते में एक लड़की मिली थी, मुझे देखते मेरे पैरों से लिपट गई और कहने लगी, तुम आ गए, तुम आ गए। फिर वो भैया भैया पुकारते हुए खेतों की तरफ चले गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बेटा, ये नहीं समझो तो अच्छा है, ये ऐसी दर्द भरी कहानी है, जो सुने वो रोते। दर्द भरी कहानी? हाँ, इस गांव में एक लड़का था,
विजय, जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती जुलती थी। भगवान, अब क्या होगा? अब तो उसने इसे देख भी लिया। मास्टर जी, ठीक नहीं। क्या अच्छा नहीं हुआ? मुझे कुछ बताइए तो सही। बेटा, जो लड़की तुम्हें मिली थी वो हमारी राधा है, सारे गांव की बेटी, हर घर की रौनक। बस इतना समझ लो, गंगा की तरह राधा भी भगवान की देन है। अब मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। क्या बात है काका? मैंने दूसरे गहनों के साथ एक हार भी अपनी बेटी को दहेज में दिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इसी तरह का हार था ना? वही तो हार मेरे गले का फंदा बन गया है बेटी। मेरी जमीन साहूकार के पास गिरवी पड़ी हुई थी, गौरी ने मुझे बताया भी नहीं। साहूकार को हार देकर जमीन वापस छुड़वा ली। अब दामाद ने फंसा खड़ा कर दिया है। जब तक वो हार वापस नहीं आएगा, गौरी को अपने साथ नहीं ले जाएगा। उसे यही रहना पड़ेगा अपने मेके में। अरे, इसमें रोने की क्या बात है गौरी? हाँ काका, ये लो, अपने दामाद को दे दो। नहीं बेटी, नहीं, मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे गले से नहीं उतार सकता। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा और गौरी का हार वापस लाऊंगा सौकार से। क्या बात करते हो काका, तब तक क्या गौरी यही मेके में बैठी रहेगी? सच पूछो तो मुझे भी ये हार बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे गाय के गले में घंटियां पड़ी हो। नहीं राधा, नहीं। तुम चुप रहो काकी। काका, इसे जल्दी से ससुराल ले चलो। ये लो, अब तो खुश हो? अच्छा, मैं चली। हाँ बेटी, जाने से पहले मेरा एक और काम करना। क्या? शगुन के लिए बेटी, बिल्ली सामने से गुजर जाए तो बहुत बुरा होता है, और जाते हुए तुम्हारे जैसी देवी के दर्शन हो जाए तो बिगड़े हुए काम समझ जाते हैं। अच्छा बाबा। आओ बेटी। मैं आऊं? आओ। अच्छा काका, राम राम। बेटी, आ गई। गांव वालों से फुर्सत हो गई, घर का रास्ता मिल गया। ये तुम्हें क्या हो गया भैया? वही जो रोज होता है, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। लेकिन तुझे तो गांव वाले अपने भाई से ज्यादा प्यारे हैं। तेरी हंसी भी उन्हीं के लिए, तेरे आंसू भी उन्हीं के लिए, है ना? मैं जो हूँ तुम्हारे लिए भैया, तुम्हारी बहन, तुम्हारी राधा। चलो हाथ धो लो खाना खाने। आप तो खाना बनाने का वक्त मिला, तुझे रोटी चटनी मिलेगी और क्या। आज मैंने एक से एक बढ़िया पकवान बनाया है अपने भैया के लिए। खाओगे तो उंगलियां काट लोगे। चलो चलो आओ। चल, चल, चल। बचरा बिचरा धूप में खड़ा है, मैं उसे छांव में बांध के आती। तो इसे खाना कहते हैं? इसे तो जानवर भी ना खाए, ना दाल ना भाजी और ना कुछ। घर में पैसे नहीं थे, मैं दाल भाजी कहाँ से लाऊं? उठा अपना खाना, मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 गंगू भैया, नहीं, इस तरह आने को ठुकराना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें दाल भाजी चाहिए ना, मैं अभी लाती हूँ। अरे ये ले तेरे गंगू भैया के लिए दाल और भाजी। मैंने सब सुन लिया, तेरे इस गांव में रहते किसी को किसी चीज की कमी हो सकती है। ले। इस तरह नहीं भैया, देना हो तो उसके दो। अच्छा ले ले ले। ये लो बहन, तुम राधा नहीं अन्नपूर्णा हो। चलो गंगू भैया, अब तो खाना खाओ तुम। चल तू भी खा। राम राम चाचा। राम राम। आओ केशव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो चाचा। जानते हो आज विजय आ रहा है। अच्छा, सुना सुना, डॉक्टर जी पास कर ली? हाँ, तुम अपनी गाड़ी में उसे नदी से ले आओगे? हाँ जरूर ले आऊंगा। तो ले आना। तुम्हारी बिल्ली का क्या हाल है राधा? बड़े शरारती हो गई है, मेरे थाली में खाती है, मेरे बिस्तर में सोती है। भैया, 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 भैया। भैया ये लो प्रसाद। मंदिर से आइए। डॉक्टर बाबू को दे। डॉक्टर बाबू? पहचाना है नहीं अपना? विजय डॉक्टरी पास करके आया है, आओ जाए।
इसे पहचाना मेरी बहन राधा, दे प्रसाद दे। अरे बहुत बड़ी हो गई है, मुझे कल की तरह याद है। ये बिल्कुल छोटी सी थी, बिल्कुल गुड़िया लगती थी, इसके पाँव में हमेशा चांदी की पाल रहती थी। हाँ, वो तो अब भी है। ए, क्या करते, इतनी बड़ी हो गई बचपना नहीं गया। जा, जा कर जा। चलो तुम्हें किसने बताया राधा बहन? मैंने डॉक्टर को गांव में आकर देखा है। चंगू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यार, ये तो अच्छी बात होगी। जीते रहो, जीते रहो बेटा। बड़ी खुशी की बात है कि तुम शहर जाके भी अपने गांव के रिवाज अब तक नहीं भूले। कैसे भूल सकता हूँ, इन्हीं चरणों की बदौलत तो आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ चाचा जी, आप ही ने मुझे बनाया है, वरना मैं अनाथ मिडिल स्कूल तक भी न पहुंच पाता। अच्छा अच्छा, चलो चलो। डॉक्टर बाबू की। अरे ये हार किसके लिए लाए हो? डॉक्टर बाबू के लिए, वो हमारे गांव में अस्पताल बना रहे हैं। अरे भाई, अभी तो ये डॉक्टरी पढ़ के आया है, मैंने पूछा भी नहीं गांव में रहेगा या शहर में डॉक्टरी करेगा। मैं तुम लोगों को सब किसने बताया? राधा ने बताया है। राधा? हाँ चाचा जी, मैं इसी गाँव में रहना चाहता हूँ। मेरा इरादा है मैं यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊं, क्या ख्याल है आपका? नेकी और पूछ पूछ। बेटा, इस गांव में एक डॉक्टर की सख्त जरूरत है, और तुझ जैसा अच्छा डॉक्टर इस गांव वालों को और कौन मिलेगा? डाल दो मेरे बच्चे गले में हार और बोलो इसकी जय जयकार। घबराने की कोई बात नहीं, ये ले लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा। डॉक्टर बाबू, वो बिचारी बहुत बीमार है। क्यों, क्या बात है, कौन बीमार है, क्या हुआ? बाद में करना, पहले मेरे साथ चलो। चलो तुम यहाँ बैठो डॉक्टर बाबू, मैं अभी मरीज को लाती हूँ। रानी, 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 अरे कहाँ चली गई? ये रानी कौन है? मेरी बेटी। बेटी? हाँ। तू, तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, शादी से पहले बेटी हो गई। बेटी के लिए शादी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, बच्चे तो खुद ब खुद आसमान से टपकते हैं, फिर शादी की क्या जरूरत है। खैर, उसे बीमारी क्या है? वही जो औरतों को होती है, वो माँ बनने वाली है। माँ बन गई, इधर है, उधर। उसने दो बच्चे दिए, एक गोरा एक काला। मेरी बिल्ली रानी ने दो बच्चे दिए? बिल्ली? हाँ, मेरी बिल्ली मेरी बेटी है, उसी का नाम रानी है। चल अब तो आशीर्वाद दो माँ बच्चों को। देखो राधा, इस वक्त तुम्हारी बेटी ने बच्चे दिए हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ मगर मर्द हूँ, मेरा इस वक्त वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी तरफ से अपनी बेटी से कह देना सुहागवती रहे, फूले भले। मैं चला। और हाँ, साथ में ये भी कह देना, दो बच्चे होते हैं बहुत अच्छे। लग गया, ये अब पानी तो दे दो ताकि फले फूले। चोट लगी है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। छोटी सी बात के लिए डॉक्टर बाबू के पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर बाबू के पास जरूर लेके जाऊंगी। क्या कर दिया तुम? चलो ना, क्या कर
रही हो तुम? ये तो बहुत जबरदस्ती होगी। मुझे कुछ हुआ ही नहीं और तुम डॉक्टर के पास ले जा रही हो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ना मुझे, छोड़ो ना। अरे ये क्या हुआ? मैं टकरा गई। किससे? पत्थर से। टकराने के लिए पत्थर ही मिला था? ये बड़ी जिद्दी है, बिल्ली रानी के लिए तो इसे डॉक्टर बाबू चाहिए और अपने दर्द की दवा डॉक्टर बाबू से नहीं लेगी। मुझे जब कुछ हुआ ही नहीं तो दवा किस बात की? देखिए कभी ऐसा भी होता है, मरीज समझता है उसे कुछ नहीं हुआ मगर उसे बहुत कुछ हो सकता है। ये तो एक डॉक्टर ही बता सकता है उसे क्या हुआ है क्या नहीं। एक डॉक्टर के होते हुए यानी अगर मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। राधा अंदर आओ। अंदर किस लिए? मुआयने के लिए, मेरा मतलब है मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूं। हाँ डॉक्टर बाबू जरा अच्छी तरह से देखिए, मार बाप लगने से कहीं कोई पुर्जा तो गायब नहीं हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। आइए आइए। डॉक्टर बाबू मार यहाँ नहीं, नीचे लगी है। राधा मार कहीं भी लगे, दर्द तो इसे बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं तो ये देखना चाहता था कि मार मार लगने से कहीं दिल की धड़कन में कोई फर्क तो नहीं पड़ा। खैर अच्छा ये बताओ चोट कहाँ लगी? कभी होठों पे हंसी आ जाए कभी आंखों पे हया छा जाए, कभी जुल्फ तेरी लहराए कभी रूप तेरा शर्माए। कभी होठों पे हंसी आ जाए कभी आंखों पे हया छा जाए, कभी जुल्फ तेरी लहराए कभी रूप तेरा शर्माए। तेरी हर अदा पे आता है प्यार, आने चमन जाने बहार, तू एक है तेरे नाम Thank you.
हर साथे हे रही दिल में ही दिल की बातें बड़ी लंबी जुदाई की रातें बड़ी छोटी सी ये मुलाकातें आई गई कई बरसातें हो रही दिल में ही दिल की बातें बड़ी लंबी जुदाई की रातें बड़ी छोटी सी ये मुलाकातें कब तक करूंगा मैं इंतजार जाने चमन जाने बहार तू एक है तेरे नाम तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुंशी चाचा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर पढ़ा लिखा कर मुझे अपने पांव पे खड़े होने के काबिल बनाया। अब जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे जीवन साथी की जरूरत है। यकीन मानो राधा, दिल का यही फैसला है, तुमसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकेगा। राधा राधा, तुम यहाँ क्यों आई? चाचा बात यह है चाचा जी, वो नथु खाना अच्छा नहीं बना था, राधा को इस अनाथ पे दया गई और कुछ खाना बना कर ले आई। झूठ मत बोलो, तुमने इसे यहाँ बुलाने के लिए बहाना बनाया होगा। चाचा डॉक्टर बाबू सच कह रहे हैं। तुम चुप रहो राधा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से इसे झूठी कहानियां करने झूठे बहाने बनाने की बीमारी है। विजय, एक कुंवारी लड़की को इसका खाने बुलाना क्या ठीक है? और राधा मैं तुमसे पूछता हूँ कि विजय ने तो गलती की थी लेकिन तुमने भी नहीं सोचा कि तुम्हारा यहाँ ना मुनासिब है या नहीं? चाचा मुझसे गलती हो गई, डॉक्टर बाबू ने मुझे नहीं बुलाया, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, इसमें डॉक्टर बाबू का कोई दोष नहीं। मुंशी चाचा तो सिर्फ नाराज हुए थे, मैं होता तो तेरे कान खींचता और कहता विजय अपना कौन लगता जो उसका खाना अपने घर से जाए। बिल्कुल ठीक है, आओ चाचा आओ बैठो, अच्छी तरह से कान खींचो। दादा तू कहाँ जा रही है? जाओ नहीं तो और क्या करूं, पहले आप नाराज हुए थे अब भैया भी नाराज हो गए हैं, कल से मैं खाना नहीं ले जाऊंगी। वो बेचारा भूखा रहेगा तो भी नहीं, नहीं ये तो ठीक ना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ तू क्या कर सकती है, मेरे एक बात है, विजय से तुम्हारी शादी हो जाए तो। ये तुम क्या करे चाचा? क्यों, विजय में कोई दोष है, कोई बुराई है? नहीं ये बात नहीं, लेकिन विजय कहाँ एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और ये मेरी भोली भाली बहना। तुम्हारी बहना हमारे गांव का गहना है, अरे विजय की तो जिंदगी सुधर जाएगी। मगर विजय से पूछ लिया? मैंने पूछ लिया है। पूछ लिया? हाँ, और वो ब्याह के लिए तैयार है। अरे वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था चाचा, मगर मगर वगर कुछ नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? मंजूरी तो तुम्हें देनी है चाचा, तुम बड़े हो, लेकिन एक बार राधा से पूछ तो लो। राधा तुम उस भूखे डॉक्टर से ब्याह करोगी? मुझे नहीं मालूम। तुम दोनों को सदा सुखी रखे। विजय इसे मैंने अपने जान से ज्यादा कीमती समझा है, आज तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। मेरे नजदीक आओ ना। क्या सोच रही हो राधा? अब क्या सोचना, जो भी मांगा था
भगवान ने सब कुछ तो दे दिया मुझे, बस अब तो यही प्रार्थना है मेरी झोली जो खुशियों से भरी है उसमें सदा भरी रहे। राधा, भगवान मुझ पे मेहरबान है, आज तक जिंदगी में उसे जो भी मांगा उसने मुझे दिया। देख ले, तुझे मांगा तो मिल गई। यकीन रखो राधा, तुम्हारी झोली हमेशा। डॉक्टर साहब, भाई आज डॉक्टर कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी हुई है, तुम किसी दूसरे डॉक्टर का बंदोबस्त करो। नजदीक में कोई डॉक्टर मिलता तो मैं रात में नदी पार करूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा बेटा बहुत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अरे सुनो विजय, बड़ों का कहना है कि जब तक शादी की रस्में पूरी ना हो जाए दूल्हा को दुल्हन को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। अब शकुन है, शकुन तो उसके बनाए हुए, अब शकुन इंसान की इजाद है। मैं इंसान की जान को इंसान के वहम से ज्यादा कीमती समझता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा राधा। Thank you.
बच्चा होश में आ गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये लीजिए आपकी फीस। तुम्हारे बेटे की जान बच गई, यही मेरी फीस है। अच्छा मैं चलूं। डॉक्टर बाबू बिजली चमक रही है, ऐसा लगता है तूफान आने वाला, थोड़ी देर रुक जाइए, दिन भी चढ़ जाएगा फिर आप चले जाइए। नहीं भैया, मुझे तो आज रात को ही जाना होगा। तो चलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ, तुम अपने बेटे के पास रहो, मैं चला जाऊंगा। राम करे तुम्हारा सुधा सदा बना रहे। केशव केशव, जिस नाव में विजय वापस आया था वो नाव नदी में डूब गई। डूब गई? हाँ। बाबू आ रहे थे वो ना नदी में डूब गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। गंगा मैया इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि हमारी राधा का स्वार्थ छीन ले। जाओ जाओ और ढूंढो और ढूंढो, जाओ जाओ। दादा दादा, मंदिर गई थी वहां नाव की खबर सुनकर बेहोश हो गई। चाचा विजय का कुछ पता नहीं चला। चाचा मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं राधे से क्या कहूं क्या ना कहूं। केशव केशव चल चल, अरे मैं इतनी देर तक सोई रही, वो अभी तक आई नहीं। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जाने राधा को क्या हो गया है, वो पैके में ही बातें कर रही है, ना जाने उसके दिमाग को क्या। ये लोग कुछ बोलते नहीं है, तुम्हारे दामाद अब तक नहीं आए,
रात के अंधेरे में कहीं वो रास्ते तो नहीं भूल गए? बेटी, वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है, वो कभी नहीं खो सकता है। कभी नहीं खो सकता। मुंशी चाचा, विजय बाबू जिंदा नहीं मिले, उनकी लाश मिली है। क्या कह रहा है तू चाचा? कल रात ही तो उसकी मांग में सिंदूर भरा गया था। आओ चाचा। अब तो डॉक्टर बाबू की लाश भी मिल गई, अब क्या होगा? मेरी भी समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। मुझे बहुत डर लगता है। ए, तुम सब यहाँ क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं राधा। अच्छा, अब तुम सब जाओ, वो आते होंगे। लीला, तू तो जानती है तेरे चीजें जी बहुत शर्मिले हैं। तुम सबको यहाँ देखकर बाहर ही बाहर से फिर से कहीं दूसरे मरीज को देखने न चले जाओ, और फिर से मुझे उनका इंतजार करना पड़े। मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता। लीला, तुम सबको ले जाओ। अच्छा। भगवान का बजर भी टूटा तो किस पर? राधा जैसी देवी पर। राधा बेचारी को तो मालूम भी नहीं कि उसके साथ होनी ने क्या खेल खेला है। वो तो सिर्फ इतना जानती है कि डॉक्टर किसी मरीज को देखने के लिए बाहर गया था, और इतना मालूम है कि वो अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा मालूम होता है उसका दिमाग ठीक तरह काम नहीं कर रहा। भगवान के खेल भी न्यारे। एक तरफ तो राधा का सुहाग छीन लिया, और दूसरी तरफ नाव डूबने की खबर सुनते ही उसे बेहोश कर दिया। राधा विजय की मौत की खबर न सुन पाई। अच्छा ही हुआ, अगर सुन लेती तो जाने क्या होता। हाँ, अब मेरी तो यही सलाह है, और भगवान की भी यही मर्जी है कि राधा को कुछ बताया ही ना जाए। वो हमसे पूछे तो हम कह दे कि डॉक्टर बाबू को किसी दूसरे गांव में रुकना पड़ा, बस दो चार दिन में लौट आएगा। लेकिन भाई, सच्चाई कब तक छुप सकती है? जब तक मुमकिन हो। हाँ केशव, भगवान को जो कुछ करना था उसने तो कर ही दिया। लेकिन अब सोचना यह है कि राधा का शीशे जैसा नाजुक दिल ये खबर सुनकर कहीं चूर चूर ना हो जाए, और दामाद के साथ साथ हम कहीं बेटी ना खो बैठे। इसलिए मेरी राय यह है कि हम इस राज को राजी रखें। चले गए थे भैया? उन्हें मिलने गए थे? तो क्या उन्हें मिलने नहीं गए तुम? अच्छा ये तो बता दो, वो वापस कब आएंगे? मैं ठीक से नहीं कह सकता राधा, वो वापस कब आएगा? नहीं कह सकते? हाँ, भला तुम कैसे कह सकते हो? जाने वहां बीमार की क्या हालत होगी। लेकिन भैया, तुम्हारे बहनों के हाथ में वो जादू है, बीमार तो बीमार, मुर्दे को हाथ लगाए तो वो भी जिंदा हो जाए। तुम देखना भैया, उस गाँव वाले भी उन्हें भगवान का रूप मानने लगेंगे। राधा, वो तो है ही भगवान का रूप। भैया, मेरा एक काम करोगे? क्या? मैंने उनके लिए दूध रखा हुआ है, उन्हें दे आओ, और उनसे ये भी पूछ लेना कि वो वापस कब तक आएंगे। अच्छा, वो तुम भी आगे चाचा,
तुम भी साथ चले जाना, भैया उनके लिए दूध लेके जा रहे हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। भैया जल्दी वापस आना। विजय, राधा ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है, लो। मिले उन्हें, क्या कहा उन्होंने? बेटी विजय वहां नहीं था, मरीज की हालत अचानक खराब हो गई, वो उसे लेके बंबई चला गया। बंबई? इतनी दूर? क्या करता, डॉक्टर को अपना फर्ज तो निभा नहीं पड़ता है, मरीज जूं ही अच्छा हो जाएगा विजय वापस आ जाएगा। हाँ। अच्छा केशव मैं चलता हूँ। तुम उदास क्यों हो गए भैया? जहाँ इतने बरस अपनी बहन को अपने घर में रखा, चार दिन और नहीं कर सकते? तू ऐसा क्यों कर रही राधा, मैं तो तुझे जिंदगी भर रख सकता हूँ। राधा क्या तू अपने भाई के पास हमेशा रहेगी? शादी के बाद लड़की की जगह तो पति का घर ही होता है। विजय बाबू, सुना था इस दुनिया से जाने वाले अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, मगर तुम तो राधा बहन के मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ छीन के ले गए। ठहरिए जरा। क्यों? रास्ते से विधवा गुजर रही है। खबरदार, राधा को विधवा कहा तो उसने अपने गले का हार निकाल कर न दिया होता तो तुम्हारी बेटी अब तक तुम्हारे घर में बैठी होती। क्यों काका, सफर के लिए तैयार खड़े हो? हाँ बेटी। ओ, गौरी के लिए रस्मों का सामान ले जा रहे हो क्या? कौन सा महीना? पांचवा। पांचवा? हाँ। गौरी से कहना बेटा पैदा करे। अच्छा मैं रास्ता करती हूँ। कहते हैं नई नई सुहागन रास्ता करने से बहुत अच्छा होता है। मैं आऊ? अरे काकी तुम क्यों रो रही हो? मैंने रास्ता काटा है, अब देखना गौरी के घर चांद सा बेटा होगा। राधा तू घर नहीं चलेगी? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। अच्छा राधा, तू अकेली बैठी है? मुझे डर है कहीं वो आ जाए तो इस अंधेरे में रास्ता ना भूल जाए, इसलिए मैंने ये दिया जला रखा है। दिए तो और भी बहुत से जल रहे हैं राधा, उससे आना है तो रोशनी की कमी नहीं होगी। रात बहुत हो चुकी राधा, चल घर चल। किस बेचारे की समाधि है और कौन बड़े प्यार से यहाँ दिया जला गया था, मगर हवा भी कितनी निर्दयी होती है, जलते दियों को बुझा देती है।
मुझे शर्म आ रही है भैया, तुम ही लिखो ना। मैं क्या लिखूं? अच्छा बोल, क्या लिखूं? ये भी मुझे ही बताना होगा। अच्छा लिखो, प्यारे उनका नाम लिखो ना। यहाँ सब कुशल है, आशा है वहां आप कुशल से होंगे, लेकिन यहाँ क्या कुशल है, उनके बिना गांव सुनसान और जीवन शमशान मालूम पड़ता है। अरे कहीं ये भी तो नहीं लिख दिया, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। प्यारे विजय, यहाँ सब कुशल है। हाँ, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो या हमने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कर दो और जल्दी वापस चले आओ। ये क्या हुआ भैया, तुम रो रहे हो? इसका मतलब है तुमसे कोई भूल हुई है? हाँ राधा, भूल तो हुई है, नहीं तो आज रोना क्यों पड़ता है? नहीं भैया नहीं, आंसू पोंछ डालो, वो ये चिट्ठी देखते ही फौरन आ जाएंगे। बस इतना और लिख देना कि राधा हर वक्त तुम्हें ही याद करती है, तुम्हारी ही बातें करती है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, तुम नहीं आओगे तो रो रो के पागल हो जाएगी। लिख दिया ना? हाँ, अच्छा डाकखाने में डाल दो। सुनो, वो रास्ते के लाल डिब्बे में मत डालना। डाकखाने में डालता हूँ। अरे उनका पता लिखा है कि नहीं? पता पता मैं भूल गया रे। तो कैसे हो भैया, उनका पता भी नहीं मालूम है? मैं तो फिक्र न कर, मैं रास्ते मुंसिब चाचा से पूछ लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया, उनका पता भी नहीं मालूम है? कहीं इनका सर तो खराब नहीं हो गया? तब से राधा रोज मंदिर जाती है, भगवान की पूजा करती है और अपने पति के खत का इंतजार करती है। हमने उसे समझाने के लिए कई कहानियां बनाई, कई कहानियां सुनाई, लेकिन आज तुम्हारे आने के बाद राधा की अपनी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब तो भगवान ही जानता है तुम्हें देख लेने के बाद राधा का क्या होगा। कितनी अजीब बात है, मेरी शक्ल उसके पति से मिलती है। राम राम चाचा। राम राम। आओ केशव, ये शक्कर लाया हूँ, नारायण से कह दो। तुम भी हैरान हो गए ना केशव, है ना बिल्कुल विजय? ये अपने जसवंत का दोस्त है, उसकी शादी पे आया है। तो फिर राधा झूठ नहीं कह रही थी, उसने सपना या भूत नहीं देखा था? अरे केशव, मैं तुमको बताना ही भूल गया था, ये भी डॉक्टर है, ये हमारी राधा को जरूर अच्छा कर देंगे। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, राधा को अच्छा कर दीजिए, उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं। डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, मैंने पूरी कहानी सुन ली है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पूरा यकीन है कि राधा ने अपने पति की मौत की खबर नहीं सुनी थी? नहीं, वो तो आधी बात सुनकर ही बेहोश हो गई थी। ऐसा भी होता है कभी कभी, इंसान के दिमाग को अचानक जोर का झटका लगता है तो वो शल हो जाता है, वो जो मानना चाहता है उसे मान लेता है, जो नहीं मानना चाहता उससे इनकार कर देता है। हम इसे एक तरह का पागलपन कहते हैं, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। लेकिन अब तो ये मुश्किल है डॉक्टर साहब, उसने आपके रूप में अपने पति को फिर से देख लिया है। चाचा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी और भी उलझ जाएगी, वो कैसे विश्वास करेगी जो वो देख रही है वो झूठ है, जो नहीं देखा वो सच था? लेकिन एक न एक दिन तो उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। वो दिन शायद मेरी बहन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा डॉक्टर साहब। यही तो भूल कर रहे हैं आप लोग, इंसान का दिल एक ऐसा शीशा है जो कभी तो जरा सी ठेस लगने पर चकनाचूर हो जाए और कभी बड़े बड़े हथौड़ों की मार पड़ने पर भी उस पर लकीर ना आए। हमें आपके बहन के दिल को उस हथौड़े के मार सहने के काबिल बनाना होगा, इसलिए आपको बंबई आना पड़ेगा। बंबई? हाँ, बंबई आकर डॉक्टर जोजो से मिलना होगा। डॉक्टर जोजो मेरे पुराने प्रोफेसर हैं और बंबई के बहुत बड़े डॉक्टर भी, उन्होंने ऐसे बहुत से बीमार ठीक किए। आप समझे चाचा? हाँ ये ठीक कहते हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनसे बातें की, लेकिन वो मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे पूरी तरह पहचान रहे हैं। जाने उन्हें क्या हो गया। राधा, ऐसा लगता है तुमने कोई सपना देखा है। ये सपना नहीं, सच्चाई है। अब मैं जान गई वो कहाँ है। मेरी तरफ देख, मैंने तुमसे एक बात करनी है। कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मिले। दूल्हे के आगे क्यों खड़े हो गए? मुझे भी देखने दो ना। भैया, अब तो विश्वास हुआ कि वो आ गए हैं। तुम कैसे हो भैया? वो यहाँ आ रहा, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तो उसे घर लाने वाला था राधा, लेकिन मुंसिफ चाचा ने कहा शादी हो जाए तो ले जाना। शादी तो रात भर चलेगी, उनसे कह दो ना कि वो घर चले। पर मुंसिफ चाचा नहीं मानेंगे, और फिर वो भी कैसे जाएगा? वो दूल्हा को अपना भाई समझता है। वो भाई लगता है तो मैं उनके कुछ नहीं लगती हूँ। तुम तो जानते हो भैया, मैं उनकी राह कब से देख रही हूँ। अच्छा भैया, एक काम करो, उन्हें यहाँ बुला लो, नहीं तो मुझे उनके पास ले। क्या कर रही है तू? सबके सामने अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तूने अपनी सूरत क्या बना रखी है, हालत क्या बना रखी है? तो उनसे क्यों नहीं कह देते? मेरे ये हाल उन्हीं की वजह से हुआ है। एक काम कर रहा था, तू घर जाओ, तेरा कपड़े ठीक ठाक से पहन ले, मैं उसे ले आता हूँ। लाओगे ना? हाँ जल्दी ले आऊंगा। जा, जरूर लाओगे ना? जरूर ले आऊंगा, जल्दी लेके आना। तू चल जाके घर जा। डॉक्टर साहब, आप जा रहे हैं क्या? जी हाँ, बहुत काम छोड़कर आया था, और फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि राधा मुझे दोबारा देखे। लेकिन राधा ने आपको देख लिया डॉक्टर साहब, वो कल रात आप ही से मिलने आए थे, मैंने उसे मिलने नहीं दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। अब मैं उसे क्या बहाने बनाऊंगा, क्या कहानी घड़ूंगा? जहाँ इतनी कहानियाँ घड़ी हैं, इतने बहाने बनाए हैं, वहाँ एक और से। लेकिन डॉक्टर जोजो से मिलने आप लोग मुंबई जरूर आइएगा, मैं चलता हूँ। अच्छा जसवंत। अच्छा अशोक, बाय। चाचा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मुझसे राधा की हालत नहीं देखी जाती, मैं घर नहीं जाता। भैया, तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? कौन? डॉक्टर बाबू। नहीं राधा बहन, मुझे कुछ मालूम नहीं। केशव भैया, केशव भैया, राधा बहन मुझे डॉक्टर बाबू के बारे में पूछ रही थी। तूने क्या कहा? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। फिर वो भागती हुई चली गई। कहीं नदी की तरफ तो नहीं गई? हो सकता है। अरे चाचा,
आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बहन पर हाथ उठाया है। मैंने क्या किया, क्या किया? केशव, तुमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए। तुम मुझे मिले बगैर क्यों चले गए, क्यों चले गए? मैंने क्या कसूर किया था? मैंने Thank you.
मैंने डॉक्टर अशोक से राधा की पूरी केस हिस्ट्री सुन ली है। मेरे ख्याल में वो ठीक हो सकती है, लेकिन एक बात है। आप रुपए की बात सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? सवाल रुपए का नहीं, नहीं राधा का इलाज किसी दवा से हो सकता है। राधा का दिमाग खराब नहीं हुआ है, जिंदगी के एक मोड़ पे आके रुक गया है। मुझे तो एक ही तरीका नजर आता है। आप कहिए डॉक्टर साहब, राधा सिर्फ मेरी ही नहीं सारे गांव की जान है, जैसे भी उसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। राधा का इलाज एक ही आदमी कर सकता है, और वो है डॉक्टर अशोक। चंद दिनों के लिए आपको उसका पति बनना होगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अशोक, आपके वहां जाने से राधा की बीमारी और उलझ गई, इसलिए उसे आप ही सुलझा सकते हैं। राधा अपने आप को सुहागर और आपको अपना पति मानती है। चंद दिनों के लिए आपको उसका पति बनना होगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप जानते हैं मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी पत्नी मुझसे बेहद प्यार करती है। ऐसा ना हो कहीं राधा की गिरफ्त सुलझाते मेरी अपनी जिंदगी उलझ जाए। ये चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा डॉक्टर अशोक। कई बार बीमार की जान बचाने के लिए डॉक्टर को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। अच्छी बात है, आप लोग शाम को मुझसे मेरे क्लिनिक में मिलिए। अच्छा। वारी छमिया वा, क्या चाल पाई है तूने। एक एक कदम जो जमीन पे रखती है तो मालूम होता है दिल पे तबले की था पड़ती है। अभी तक तूने मेरी चाल देखी है राम सिंह, मेरे हाथ नहीं देखे। ला ये भी देख लेते हैं, हम हाथ पढ़ना भी जानते हैं। वाह 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 वाह, इसमें तो साफ साफ लिखा है हम घोड़ी पे बैठेंगे और तुम डोली में। चल इसी खुशी में चोर बाजार से एक रेशमी साड़ी ले देते हैं अपनी रेशमा को लपेटने के लिए। इन लकीरों में एक और भी चीज लिखी है जो तुमने नहीं पढ़ी। वो क्या? ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम दोनों? मालकिन, ये लफंगा रोज मुझे छेड़ता है, मेरा रास्ता रोकता है। राम सिंह कैसे हो? ये लो अपनी सब, तुम शरीफ आदमी को घर में रहने के काबिल नहीं हो, चली जाए यहां से। क्या हुआ पद्मा, राम सिंह को क्यों निकाल दिया? उसने छमिया से छेड़छाड़ की थी। नौकरों नौकरानी में तो छेड़छाड़ लगी रहती है पद्मा। क्या कहते हैं आप, राम सिंह की शादी हो चुकी है और उसके तीन चार बच्चे भी तो हैं। उस औरत के लिए सोचो जिसे उसने अपनी बीवी बनाकर जकड़ रखा है और खुद बाहर दूसरी मछलियां पकड़ने के लिए जान फेंक रहा है। जाने दो पद्मा। जाने दो? तुम्हारे लिए मामूली बात हुई, मेरे लिए नहीं। अगर मेरा पति किसी दूसरी औरत की तरफ नजर भी करे तो मैं कुछ खा लूं या रस्सी से झूल जाऊं। मैं आपकी मुश्किल समझता हूं डॉक्टर साहब, दुनिया की कोई पत्नी ये नहीं देख सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत से मिले। लेकिन मैं तो कुछ और ही सोचा था, मेरे पास काफी बड़ा मकान है जहां आप और आपकी बहन बड़ी आसानी से रह सकती हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को होटल में ठहराना पड़ेगा। अजीब सा लग रहा है, बड़ी शर्म भी आ रही है। शर्म तो हमें आनी चाहिए बेटे, जो हम तुम्हें ऐसे काम के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको कैसे बताऊं, आप कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है। आप जाइए और अपनी बहन को ले आइए, आपके रहने सहने का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। राधा, राधा सुन, भगवान ने तेरे सुन ली, आज ही हमें बंबई चलना होगा। बम्बे? हाँ, विजय ने तुझे बुलाया। विजय ने? भैया सच कह रहे हैं मुंसिब चाचा, उन्होंने सचमुच मुझे बुलाया। हाँ बेटी, बुलाया। भगवान, मैंने तुझे लाख बुरा कहा, फिर भी तूने मेरी भलाई चाही, इसलिए तो तुझे दयालु कहते हैं। पद्मा, सामान सारा बांध दिया ना, हर चीज रखवा दी ना गाड़ी में? सब रखवा दिया सिवाय एक चीज। जल्दी से उसे भी ले आओ ना। उसे लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सामने मौजूद है। ओ, तुम्हें तो मैंने पहले ही अच्छी तरह बांध के बंद करवा रखा है।
यहाँ जेब में? हाँ हाँ, आजकल जेब कतरों का डर रहता है, इसलिए दिल में संभाल के रख लिया है। और किसी दिन किसी ने दिल ही चुरा लिया तो? जिस घर में पहले ही चोर घुसे हुए हूँ वहाँ दूसरे चोर चोरी करने नहीं आते। अच्छा ये बताओ, तुम हैदराबाद से लौटोगे कब? जब जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। और कॉन्फ्रेंस कब खत्म होगी? यही हुई 16-17 तारीख को। तो सुनो, तुम्हें 16 को यहाँ जरूर पहुँचना चाहिए, चाहे कॉन्फ्रेंस खत्म हो या ना। क्यों, 16 तारीख में ऐसी क्या खास बात है? जनाब, 16 अगस्त को ये एक छोटी सी चीज हुई थी तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, हम दोनों की शादी। ओ, मैं तो भूल ही गया था, मैं इतिहास के मामले में बहुत कमजोर हूँ। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 16 अगस्त को हम तुम्हारे गुलाम हुए। अच्छा मैं चलूं। अच्छा बाय। सुनो, कोई जरूरी केस है तो मुझे इस नंबर पर टेलीफोन करना, वरना सबको यही कहना कि मैं हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस में गया। ठीक है? तुमने सच कहा था भैया, वो आ गए, देखो वो आ गए। आप बैठें डॉक्टर साहब, मैं राधा को भी बुलाता हूँ। भैया तुम्हारे डॉक्टर साहब क्या बुला रहे हो, पहले तेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? हाँ हाँ, विजय कहना था, मुंह से डॉक्टर साहब निकल गया। अच्छा जल्दी से उनके पीने के लिए कुछ ले आओ। हाँ। मैं भी आया विजय, माफ करना डॉक्टर साहब। ये क्या, उठो देखो, क्या तुम सिर्फ रोने के लिए इतनी दूर आई हो? ये आंसू नहीं, मेरे दिल का धुआं है जो इतने दिनों से मेरे अंदर बंद था। राधा जरा मुस्कुराकर मेरी तरफ देखो। मेरी मुस्कुराहटें भी तुम्हारे साथ चली गई थी, अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ लौट आई है। लेकिन लेकिन मुझे एक बात बताओ, अचानक तुम मुझे रूम के अंधेरे में डुबो के क्यों चले गए थे? सुहागी रात को कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ के इस तरह जाता है, मैं तो रो रो के पागल हो गई थी। तुम अपनी दोस्त की शादी पे गांव वापस आए लेकिन मेरे घर नहीं आए, तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई थी, तुम फिर चले गए। तुम्हें क्या मालूम उस कुमारी का क्या हाल होता है जो दुल्हन तो बन गई हो मगर सुहागन बनने से पहले उसका पति उसे छोड़कर चला जाए। बस समझ लो वो एक सपना था, रात खत्म हुई सपना टूट गया। वो सपना था या ये सपना है जो अब मैं देख रही हूं? मैं पागल क्या जानू। अरे ये क्या, तुमने चश्मा क्यों लगा लिया? और मूछें भी रख ली? आंखें कमजोर हो गई थी इसलिए चश्मा लगा लिया,
और मुझे तो घर की खेती है, जब तक जी में आएगा रखेंगे, जब जी भर जाएगा काट देंगे। तुम पहले से बहुत दुबले भी हो गए हो। मैं दुबला नजर आता हूँ तुम्हें? हाँ, परदेश में कौन है जो मेरी तरह तुम्हारी देखभाल कर सके। तुम देखना मैं चार दिन में तुम्हें कितना बदल देती हूँ। तुम भी देखना मैं चार दिन में तुम्हें कितना बदल देता हूँ। मैं तो तुम्हें देखते ही बदल गई हूँ। पर इतना तो बता दूं, तुमने मेरे बिना ये दिन कैसे गुजारे? बस गुजर गए। डॉक्टर की जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता रहा था। बीमार होते हैं, बीमारियां होती हैं, फर्ज होता है, धर्म होता है। खैर छोड़ो, और कोई बात करें। मेरे पास और कौन सी बात है करने के लिए? तुम्हें कुछ कहो ना। मैं भी क्या कहूं, मेरे पास भी और कौन सी बात है करने के लिए। पति पत्नी में हजार दूसरी चीजें होती हैं जिन्हें कहने के लिए न होंठ हिलाने पड़ते हैं न जुबान चलानी पड़ती है। अच्छा मैं दरवाजा बंद करती हूँ। माफ करने वजह मुझे आने में देर हो गई। देर कहाँ हुई, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा हाँ लो। ये ठंडा ठंडा शरबत पी लो। अरे कितना पसीना आ रहा है। तुम नहीं पियोगी? बच गया तो मैं भी पी लूंगी। मेरा झूठा? तुम्हारा झूठा पीने में क्या है। अरे मैंने तो सारा गिलास खाली कर दिया। तुम चले गए थे तो तुम्हारे बिना मेरा भी यही हाल था। सारी दुनिया खाली खाली अधूरी अधूरी से जान पड़ती थी। कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर साहब आपने कहा था ना राधा को बंबई दिखाएंगे। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, चलो तुम्हें बंबई दिखा देते हैं। लेकिन केशव भैया मेरा नाम डॉक्टर साहब नहीं विजय है। हाँ भूल गया था। जा तू तैयार हो जा। हेलो जी। नहीं डॉक्टर साहब हैदराबाद गए हैं। क्या कहा, कल डॉक्टर साहब से मिले थे आप, उन्होंने इंजेक्शन भी दिया आपको। नहीं नहीं आपको भूल हुई होगी, वो कोई दूसरा डॉक्टर होगा। राम सिंह तुम? जी हाँ मैं आपको बताने आया हूँ, वो कोई दूसरा डॉक्टर नहीं आपका ही डॉक्टर है, जो हैदराबाद नहीं गया यही बम्बे में गुच्छड़े उड़ा रहा है। क्या बकते हो, चले जाए यहाँ से। चाहता हूँ लेकिन जाने से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ, आप एक बार होटल अजंता कमरा नंबर 510 में जरूर झांक लीजिएगा। वहाँ डॉक्टर साहब ने जो लड़की रख छोड़ी है ना, उम्र में भी आपसे बहुत कम है और देखने में बहुत खूबसूरत, इसलिए तो डॉक्टर साहब बम्बे में होते हुए भी आपके लिए बम्बे में नहीं। नहीं ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, आप एक बार होटल में जाकर देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि राम सिंह कभी झूठ नहीं बोलता। कौन? जी डॉक्टर अशोक है अंदर। जी नहीं वो तो बाहर गए। और जो लड़की उनके साथ रहती है वो कहाँ है? वो भी उन्हीं के साथ बाहर गई। फिर तुम कौन हो? मैं उसी लड़की का बड़ा भाई हूँ। तुम जानते हो डॉक्टर साहब शादीशुदा हैं, उनकी बीवी है, उनका बच्चा है। जी मालूम है मुझे। ये सब मालूम होते हुए भी अपनी जवान बहन को पराए मर्द के साथ बाहर भेज के तुम आराम से यहाँ बैठे हो। तुम्हें तो देख के दुनिया भर के भाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन? मैं ही हूँ वो डॉक्टर की पत्नी। ओह तो आप ही वो देवी हैं जिनका पति हमारे लिए भगवान बनकर आया है। ये देवी और भगवान का नाटक छोड़ो और मुझे बताओ सच्चाई क्या है। अभी बताता हूँ सच्चाई क्या है। ये सच्चाई ज्वालामुखी की तरह मेरे सीने में बंद है, ये फूट कर बाहर न निकलेगी तो मुझे जला डालेगी। आपको क्या मालूम मेरी बहन के साथ तकदीर ने ऐसा खेल खेला है कि वो पगली समझती है आपका पति उसका पति है।
जो जो बेचारा शादी की रात किसी मरीज को देखने के लिए दूसरे गांव गया था, लेकिन बेचारी को सुनी था और क्या, मुझे तो उन सब पर भी गुस्सा आ रहा था जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो लड़की नहीं दूध का ग्लास हो जिसे वो एक ही घूंट में पी जाना चाहते हो। बस बस मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अबे ये तो ऊपर वाले ने क्या चीज बनाया, लगते उस्ताद एकदम नई चिड़िया अभी अभी गांव से उड़कर आई। तो फिर ले चलो अड्डे पे, साल भर की रोटियां पक्के। चलो 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 उस्ताद। कहाँ जाना है आपको बता दो, गाड़ी में छोड़ आते हैं। नहीं वो टैक्सी लेने गए हैं। तुम्हारा टैक्सी में जाना अच्छा नहीं लगता है, हमारे साथ आओ। जाओ चले। अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि सच्चाई क्या है। यह नाटक मैंने नहीं उसने रचाया है, उसने। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अपनी बहन की खुशियों के लिए मैं आपके सुख में आग लगा दूं। मैं अपने बहन के लिए जान दे सकता हूं लेकिन उसके भाग की लकीर तो नहीं बदल सकता। इसलिए मैं आज उसे गांव वापस ले जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा ना कहें, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने गुस्से में आके आपको, आपकी बहन को और अपने पति को क्या कुछ नहीं कह डाला। अब मुझे भी अपनी बहन समझिए और क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह हाथ जोड़कर आप मुझ पर पाप न चढ़ाइए। भाई साहब, आज से राधा सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बहन है, और मेरी बहन इस होटल में नहीं मेरे साथ चल के मेरे घर में रहेगी। क्या आप उस पगली को अपने घर ले जाएंगी? इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा त्याग। ये त्याग नहीं, एक बहन और एक डॉक्टर की पत्नी का धर्म है। अब और कुछ न कहिएगा। कल बहुत अच्छा दिन है, आप राधा को लेके
हमारे घर आ जाइएगा। मेरी समझ में नहीं आता। एक बात है, सिर्फ उन्हें पता ना चले मैं यहाँ आई थी। ये क्या, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। मैं छोटी बहन के नहीं, एक देवी के चरण छू रहा था। नहीं भाई साहब, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। सदा सुखी रहो। हाय पद्मा, देखा वक्त के कितने पाबंद हैं। 16 को कह के गए थे, 16 को पहुंच गए। बहुत खूब, अब तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। कहो हैदराबाद में कैसी गुजरी? बस गुजर गई। गुजर गई? साथ तो नहीं ले गई, मगर बताओगे भी नहीं हैदराबाद में क्या क्या देखा? हैदराबाद में वो मुझे मालूम है, हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम तुमने जरूर देखा होगा। हाँ देखा, देखा सालार जंग म्यूजियम देखा। क्या बात है सालार जंग म्यूजियम की? सुना है हैदराबाद में चार मीनार बहुत खूबसूरत है, ऐसी क्या बात है उसमें? चार मीनार? हाँ हाँ पद्मा, उसके चार मीनार तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा ये तो बताओ हैदराबाद में ठहरे कहाँ थे? ताज में। ताज? ताज तो बम्बई में है। ताज है बस में। अच्छा तुम तो हैदराबाद के पीछे ही पड़ गए, कोई और बात करो। अच्छा ये बताओ, अच्छा तो कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताओ। वाह पद्मा वाह, मजा आ गया कॉन्फ्रेंस का। सब डॉक्टरों ने स्पीचेस दी, लेकिन जब मैं उठा स्पीच करने तो बात ही कुछ और थी। क्यों क्या हुआ? जैसे मैं डायस पर पहुंचा सब लोग खड़े हो गए। क्यों? जनाब को देखते ही लोगों ने जनगणना शुरू कर दिया। पद्मा क्या बात करती है, जैसे मैंने स्पीच की सब लोग दंग रह गए। बड़े बड़े डॉक्टरों ने तालियां पीटी, साथ में मेरा ऑटोग्राफ लिया। उन्होंने मुझे बहुत जोर दिया कि साहब आप 2 दिन के लिए और रुक जाइए, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मुझे बंबई 16 तारीख को कैसे भी पहुंचना है, क्योंकि अपनी गुलामी का दिन मनाने के लिए इस पे जो कहका पड़ा, जो कहका पड़ा। ये साड़ी मेरे लिए लाई हो? नहीं अपने लिए, सूटों से जी उपटा गया था, सोचा तेरा साड़ियां पहना करो। जनाब सारे शहर की खाक छानी, सैकड़ों दुकानों पे धक्के खाए और हजारों साड़ी में से ये साड़ी मिली है। मालूम है खाक जनाब ने कौन से शहर की छानी थी? हैदराबाद की। और कहां की? लेकिन इस साड़ी पे तो बंबई की दुकान का कार्ड लगा हुआ है। ये तो हो ही रहा है पद्मा, बंबई का माल हैदराबाद में बिकता है, हैदराबाद का कलकत्ते में और कलकत्ते का बंबई में, बस यूं समझो कि हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा। तुम बाहर क्या देख रही? वो आई नहीं अब तक। कौन? कोई मेहमान आने वाला है? तुम्हारा रिश्तेदार? नहीं। मेरे दोस्त? नहीं। तो फिर कौन? वो आ गए। जरा रुकिए, ये कौन है? मैं तुम्हारे पति की दूर की रिश्तेदार हूँ, तुम अपना घर बसाने के लिए आई हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई। आओ बहन। नहीं नहीं पहले दाया पाँव रखो। आइए भाई साहब, मैं आपके पीने के लिए कुछ लाती हूँ। ना 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 ना, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये घर मेरा है और तुम मेरी मेहमान हो, तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। लेकिन तुम तो नई नहीं आई हो इस घर में। घर नया सही, लेकिन है तो मेरा, है ना? हाँ। रसोई कहाँ है? वहाँ। अच्छा भैया तुम बैठो। आप बैठिए, मैं अभी आई। ये क्या खेल शुरू किया? तुम हैदराबाद गए थे ना कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं कॉन्फ्रेंस को ही घर में ले आई हूँ। होटल में सैकड़ों लोग देखते, हजारों बातें करते। पद्मा मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। तुमने सोचा तुम राधा को यहाँ ले आओगी,
तो मैं झगड़ा उठाऊंगी, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। तुम इतने वर्षों में अपनी पत्नी को नहीं जानते तो बीमार की बीमारियों को कैसे समझोगे? पद्मा, करीब आओ। क्यों? मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने दिल में बंद कर लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, जरा दूर ही रहो। क्यों? मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ इसलिए। ये लो भैया। मम्मी, ये कौन है? तुम्हारी आंटी है। आंटी का मतलब? बस आंटी। राधा, ये मेरी बेटी है। मम्मी, डैडी कहाँ है? दादी का मतलब? दादी नहीं, डैडी। डैडी का मतलब बाप और पिता। अभी नादान है, जिसको देखते हैं डैडी कहकर पुकारती है। बच्ची ही तो है, लेकिन इसके पिता है कहाँ? इसके पिता की भी अच्छी पूछी तुमने। आज वो यहाँ होते हैं तो कल वहाँ। आज चिट्ठी लिखते हैं, फौरन मेरे पास चले आओ, मैं सामान बांध के तैयार होती हूँ। तो तार आ जाता है, मेरी कहीं और तब्दीली हो गई है। बस हर बार यही होता है, पहले चिट्ठियाँ आती हैं फिर तार। चिट्ठियों में लिखा होता है फौरन चले आओ, तारों में लिखा होता है फिर मेरी तब्दीली हो गई है। मेरी तो आधी जिंदगी गुजर गई है सामान बांधने में और खोलने में। यकीन मानो राधा, 2 बरस हो गए हैं मगर उनसे मुलाकात नहीं हुई। मगर अब वो है कहाँ? अंबाला, अंबाला में। सच पूछो तो सब मर्द ऐसे होते हैं, मेरे पति को देखा। बहुत गाड़ी छन रही है दोनों में। जब दो औरतें बातें कर रही हो तो निशाना कोई गरीब मर्द ही होना चाहिए। कौन है बेचारा? बेचारा सामने ही तो खड़ा है। कौन? मैं? कमाल है, यहाँ कोसने के लिए दो दो खड़ी और चाय पूछने के लिए कोई भी नहीं। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। क्षमा कीजिए डॉक्टर साहब, हम दोनों यहाँ नहीं आते, लेकिन हम इनकी बात टाल नहीं सके। मुझे सब कुछ मालूम है। मालूम है? पद्मा ने मुझे सब कुछ बताकर मेरी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन अपनी पगली बहन को आप दोनों के पास छोड़े जा रहा हूँ, ये क्या कम मुश्किल है डॉक्टर साहब? फिक्र न कीजिए भाई साहब, जैसे राधा आपकी बहन है उसी तरह मेरी भी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। राधा पद्मा की बहन है और मेरी मरीज, आप उसकी फिक्र हम दोनों पे छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विजय, मैं चलता हूँ। कहाँ भैया? अपने गांव और कहाँ, कितना काम पड़ा हुआ। 2-4 दिन और ठहर जाना। तो जानती पगली, मेरा ही हैरान अच्छा लगेगा। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा अपना ख्याल रखना। अच्छा। और सुनो, रेलगाड़ी में खिड़की के पास मत बैठना, बहुत कोयला उठता है। मैं बैठूंगा। मुझे मिलने आते रहना, अपनी बहन को भूलना नहीं है। तुझे कैसे भूल सकता हूँ पगली। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, मैं निशी में। गुदगुले होती गुदगुली रहे। अरे आज सूरज कहाँ से निकला? ये माँ बेटे इस यतीम की बड़ी खातिर कर रहे हैं। पिताजी, कल मैं रामचंद्र जी से मिला। फिर तूने बे बदमाश लुच्चा, फिर सौकर रामचंद्र राज कपूर से करवा लिया? नहीं जी, नहीं जी, सौकर रामचंद्र नहीं जी, भगवान रामचंद्र जी सपने में आए मेरे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी, मुझे रामचंद्र जी ने कहा कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं जी, जैसे जैसे हजारों साल पहले वो अपने पिता दशरथ जी की सेवा करते थे जी। क्या हुआ? तुम ही सेवा करते रहोगे, मुझे नहीं करने दोगे? गिलगिली होता है। भाग्यवान, मेरी भाग्यवान देवी सीता तुम्हारे सपने में आई थी? नहीं, माता कौशल्या। ऐसा मालूम होता है बेटे कि मेरे घर में सारी रामायण आ गई है। भाग्यवान, माता कौशल्या ने क्या कहा? उसने कहा कि जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है उसे मेवा मिलता है। मेवा? ओ मेवा।
अरे भाग्यवान, तुमको तो कितना अच्छा बड़ा मेवा मिला है। हम माता कौशल्या ने तुमको मेवा दिया। ए बेटे। जी पिताजी, पहले जी। अरे उसके जी पिताजी, मैं जानता हूँ जी। अच्छा मेवा आया, अच्छा पिताजी, जी। पिताजी, क्या हो गया पिताजी, क्या हो गया जी? मैं बैठा था, अब मुझे पर लग गए हैं, मैं अभी हवा में उड़ने लग गया हूँ, तुम दोनों मेरे पर हो गए। पिताजी फर्स्ट क्लास एक्टिंग करे बापू। अरे अगर वो एक्टर है तो मैं एक्टरों का बाप हूँ। तो थोड़ी सी तारीफ मेरी भी करो ना, मैंने आपको दारू की जगह पे पानी में रंग मिला के शराब दिया। शाबाश बेटे शाबाश, चलो अंदर चले, वो माँ बेटे का रंग देखे। हाँ देखेंगे, चलो देखेंगे। माँ जल्दी करो ना। बुढ़े ने इतनी पी ली है कि कल सुबह तक उसे होश नहीं आएगा। पूरी तिजोरी साफ कर लेना ना। हाँ बस करो, बहुत हो गया। अरे तेरे बच्चों का इंतजार भी तो करने दे। बापू वो भी होश के अंदर है, असली शराब नहीं पी, नकली शराब पी थी मैंने, डाली थी। तुमने बोला था ना कि सांप भी मर जाएंगे और लकड़ी भी नहीं टूटेंगी, तुम्हारी लकड़ी टूट गई और सांप भी सामने खड़ा है। पुछ, अभी मैं तुम लोग को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे गोली नहीं मारना, मेरी माँ को मारो, सारा प्लान इसने बनाया था। अरे ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, इसे गोली मारो, ये भी जुर्जर तोड़ता है, इल्जाम माँ के देता है। अरे वाह रे वाह रे वाह, पैसे के लिए माँ बोलती बेटे को मारो, बेटा बोलता माँ को मारो, क्या जमाना आ गया। मैं तुम दोनों को एक गोली से मारूंगा। हाथ ऊपर। बापू वो लोग को ये रुपया चाहिए, बापू नहीं चाहिए, मेरे को ये रुपया नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बापू चाहिए। आप मेरे को थोड़ा सा प्यार दे डालो, मेरे को मेरा बापू दे डालो, मेरे को बस रुपया नहीं चाहिए, मुझे भी रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो तुझ जैसा एक बेटा चाहिए। बापू 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 दादा, ये बिस्तर किसके लिए बिछा रही हो? तुम्हारे लिए और किसके लिए? यहाँ अच्छी हवा आती है। किसे कहाँ ले जा रही? इसकी माँ के पास। ये बेचारी वहीं सो गई थी। ठंडा पानी है, रात को शायद तुम्हें प्यास लगेगी। Thank you.
हेलो हेलो, मैं पद्मा बोल रही हूँ। इस वक्त मेरा आना बहुत जरूरी है क्या? क्या कहा? बहुत जरूरी है? अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा राधा। तुम पहली बार में यही क्यों गए थे? तब की बात और थी, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे रुकना पड़ा। यकीन मानो राधा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पद्मा, तुमने वक्त पे मुझे बुला लिया। राधा बेचारी तो सर से पांव तक एक उम्मीद है, एक ख्वाहिश है, एक सवाल है। उस सवाल का जवाब वो मुझे ढूंढ रही है। मुझे उस बेचारे पे बड़ा तरस आता है। वो इस घर को अपना घर मानती है, तुम्हें अपना पति समझती है। जाने कितने दिनों के बाद उसके दिल के अंधेरों में आशा का एक दिया जला है। इसी बात से तो मुझे डर लगता है, कहीं उसकी आशा का दिया तुम्हारी खुशी में आग न लगा दे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो ठीक है, लेकिन हालात को भी तो सामने रखना पड़ता है। तुमने मुझे एक जवान सुंदर कुमारी विधवा के हाथों में सौंप रखा, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? नहीं पद्मा, तुमने रामायण महाभारत पुराण तो पढ़े हैं, ऐसी परीक्षा की घड़ी में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि डोल गए थे। क्या तुम अपने पति पे इतना भरोसा, इतना विश्वास कर सकती हो? हाँ, विश्वास के मंदिर पानी के लहरों पे नहीं बनाए जाते डॉक्टर साहब, उनकी बुनियादों में हिमालय गाड़े जाते हैं। इसलिए तो उनके सुनहरे कलश नीले आकाश को छू सकते हैं। पद्मा, आज मुझे मालूम हुआ तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। किस मिट्टी की? जिससे सीता पार्वती जैसी देवियां बनती हैं। बस बस, ज्यादा मस्का मत लगाओ। अरे पिंकू, ये उल्टी किताब क्या पढ़ रही हो तुम? चश्मा क्यों नहीं लगाती? थैंक यू। पद्मा, ओ पद्मा, अरे मेरे जूते जल्दी लाओ, मुझे देर हो रही है। अभी आई। बहन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे होते हुए उन्हें हर चीज के लिए पद्मा पद्मा चिल्लाना क्या अच्छा लगता है? मर्द तो ये बात नहीं समझते, लेकिन तुम बुरा ना मानना। अरे राधा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? यही बात मैं पद्मा बहन से कह रही थी, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? ये पद्मा कौन लगती है जी तुम्हारी? पद्मा पद्मा है और क्या, दूर की रिश्तेदारी है ना, पत्नी तो नहीं। पहले की बात और थी जब मैं यहाँ आई नहीं थी इस घर में, अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें हर चीज के लिए पद्मा पद्मा कह के बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बाबा, नहीं बुलाऊंगा, अब तो खुश हो ना? हाँ। अब पद्मा से पूछो मेरा कोट कहाँ है। फिर पद्मा? भूल गया। पद्मा, ओ आइए मामी जी, आइए। आज जा सके से भूल गई, अंदर आइए ना, बैठिए। नहीं नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, जरा मार्केट जा रही थी, सोचा जरा तुझे भी मिल लूं। अच्छा किया आपने। अच्छा बताइए, हमारे मामा जी और एक्टर देवर कैसे हैं? वो लोग तो सब ठीक हैं, मगर उस पागल छोकरे ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। ये कौन है जो ठुमक ठुमक अशोक के कमरे में जा रही है? वो राधा है, बड़ी अभागन है बेचारी, सुहाग की रात को ही विधवा हो गई। पर वो विधवा तुम्हारे घर में क्या कर रही है? इलाज के लिए आई है। लोग कहते हैं ना मामी जी, हर आदमी की शक्ल का एक दूसरा आदमी जरूर होता है। उसके पति की शक्ल मेरे पति से मिलती थी। आज से तुम बाकी दवाइयां बंद कर दो, सिर्फ ये दवा लेना सुबह शाम। लेकिन ये दवाइयां क्यों? मुझे क्या बुखार आता है या जुकाम है या मैं पागल हूँ? तुम कमजोर हो, तुम्हें ताकत चाहिए इसलिए। होशियार रहना बेटी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं तेरे घर में भी वही तमाशा ना हो जो मेरे घर में हो रहा है। ओ, मुझे आई है। नमस्ते मामूजी। नमस्ते नमस्ते। बेटा अशोक, मुझे तुझसे एक बात कर। फिर कभी मामूजी, इस वक्त देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। अच्छा अच्छा, तो मुझे भी रास्ते में छोड़ दे।
चलिए। अच्छा बेटी मैं जा रही हूँ। आंटी, आंटी तुमने बात ले लिया? बात ले लिया? बात लेते नहीं, भात खाते हैं। मैं बात की बात करती हूँ। बात का मतलब? बात का मतलब नहाना। बात का मतलब नहाना? कमाल है, तुम्हारी अंग्रेजी जबान में एकदम उल्टी सुलटी है। बात का मतलब नहाना। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। टांकू? टांकू नहीं, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। अच्छा पिंकी, तुम अपनी आंटी को अंग्रेजी जबान बाद में सिखाना, चलो पहले जाके नहा लो। हाँ राधा, आज हमारा पिक्चर जाने का प्रोग्राम था ना? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो हमें अंग्रेजी फिल्म ले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी फिल्म का तो एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ते। अच्छा तो चलो, आज डॉक्टर साहब से कहेंगे हमें किसी हिंदी पिक्चर में ले चले, धार्मिक फिल्म हो तो अच्छा। अच्छा। अरे तुम तो बिल्कुल तैयार हो, मैं अभी एक बाल बना के आती। अच्छा अच्छा। आंटी बताओ ये किसकी तस्वीर है? पहले दिखाओ फिर बताऊंगी। अरे पिंकी बिना देखे कोई कैसे बता सकता है? अच्छा तो आंखें बंद करो, मैं दिखाती हूँ। आंखें बंद करो। चलो आंखें बंद करो। दिखाती हूँ। हाँ पहले आंखें बंद करो। अच्छा बाबा बंद। हाँ इस तस्वीर में एक बड़ी है। अच्छा और एक छोटी, छोटी मुझ जैसे छोटी, बड़ी मुझसे बहुत बड़ी। ऐसा। और इस तस्वीर में एक लड़का है, लड़का मुझसे बहुत बड़ा है। बस अच्छा अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैं आंखें खोलूं? ना 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 ना, पहले मैं तीन गिनूंगी फिर आंखें खोलना। अच्छा एक दो तीन। मुझे आंटी को दिखाने दो। दिखाने दो ना बहन, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, बच्ची का दिल रह जाएगा। ए पिंकी दे दो तस्वीर। नहीं दूंगी। दे देना। नहीं। अरे आई एम गोइंग टू शो इट टू आंटी। नो नहीं दूंगी पिंकी। नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ नहीं दूंगी। नहीं दिमाग लगा दो। मैं नहीं दूंगी। छोड़ा छोड़ा नहीं दूंगी। कुछ नहीं, जरा चक्कर सा गया था। चलो अंदर चलो। ज्यादा तकलीफ हो रही तो उनको बोलो। नहीं नहीं ठीक हो जाऊंगी। राधा राधा। अच्छा वो तुम आ गए। राधा एक जरूरी केस आ गया है, मैं सिनेमा नहीं जा सकूंगा। सिनेमा की पड़ी है तुम्हें और यहाँ पद्मा बहन चक्कर खाकर गिर गई। अंदर जाकर देख तो लो, मैं उसके लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। पद्मा, पद्मा, ये चक्कर कैसे आया? मुबारक हो। अब और शरारत बात। जब तक क्या? जब तक पिंकी के बाद पिंका नहीं आ जाता। डैडी, 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 ये क्या? मेरा खिलौना नहीं लाए? बेटे, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जीता जागता हंसता बोलता खिलौना लाएगी। कब लाएगा मम्मी? बहुत जल्दी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ राधा, तुम खामखा घबरा गई थी। तुम्हारी पद्मा बहन को कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ फिर से एक बार माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, चौंक क्यों गई? इधर आओ। क्या बात है? पद्मा बहन को तो सिर्फ चक्कर आया, तुम्हारा तो मालूम होता कि सर ही घूम गया। क्यों? पद्मा बहन माँ बनने वाली है ना? हाँ। मैं पूछती कैसे? जैसे सभी औरतें बनती हैं। उसका पति कहाँ है? पति? वो अंबाला में ना। हाँ, वो... उसने मुझसे खुद कहा कि उसका पति उसे 2 बरस से नहीं मिला, फिर वो माँ कैसे बन सकती है? ये बात लोगों को मालूम हो गई तो क्या होगा, सारे समाज में हमारी बदनामी होगी। क्या कह रही हो राधा? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, इतने बड़े डॉक्टर हो गए हो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। मेरी बात मानो तो फौरन उसे यहाँ से उसके पति के पास भेज दो,
ताकि हम बदनामी से बच जाएं। तुम सोच क्या रहे हो? तुमने इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी कर दी, मैं सोच भी नहीं सकता क्या? सोचो नहीं, तुम कल ही रेल की दो टिकटों का इंतजाम करो। और सुनो, एक पूरा टिकट, एक आधा टिकट, पिंकी के लिए तो आधा ही टिकट लगेगा। और देखो, पद्मा बहन को ये सब बात मालूम ना हो, वरना वो बेचारी शर्म से आंख नहीं उठा सकेगी हमारे साथ। मेरे लिए तो सुनना भी पाप है डॉक्टर साहब, मेरी बहन एक ऐसी सती सावित्री पर इतना बड़ा कलंक लगाकर उसको उसी के घर से निकाल रही है, इससे तो अच्छा है वो मर जाए। केशव भैया, मैंने आपकी बहन का इलाज इसलिए तो नहीं किया था कि वो मर जाए। समझता हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी आप ऐसी शांति से बातें कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वही क्या है केशव भैया, राधा ने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया, इसीलिए पद्मा और मैं ना तो उसे नाराज हैं और ना उसे नफरत करते हैं। आप दोनों महान हैं, लेकिन हालात को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है आप राधा को सब कुछ बता देना चाहिए। इसीलिए तो तार देकर आपको यहां बुलाया है। मेरी राय में अब राधा सच्चाई सुन सकती है, उसका दिल और दिमाग अब इतने कमजोर नहीं रहे कि सदमे की चोट बर्दाश्त न कर सके। हम सब यही तो चाहते थे डॉक्टर साहब। अरे भगवान, अरे कान क्यों खींच रही हो? वो कान पहले से लंबे हैं। हाय, मैं मर जाऊं, मैं और आपके कान खींचू? मैं तो आपके कान के पटाखे निकाल रही थी। पटाखे निकालने से दिमाग की खुश्की, गर्मी सब रफ चक्कर हो जाते हैं और दिमाग नई नई स्कीमें सोचने लगता है। भगवान, अब कौन सी नई स्कीम सोच रही हो? मैं क्या सोचूंगी, अखबार नहीं पढ़ा? सरकार सीलिंग लगा रही है। सरकार भी अजीब चीज है, लोगों के पास घर नहीं, वो उन्हें छत दे रही है। ओफ, तुम हर बात को उल्टा समझते हो। सरकार छत नहीं दे रही, हद मुकर्रर कर रही है जायदाद की, समझे? करनी भी चाहिए, गरीबी हटाओ देश का नया नारा है। गरीबी नहीं हटाई जा रही, अमीरों को हटाया जा रहा है। सुनो जी, तुम्हें अगर अपनी जायदाद बचानी है तो इसे बांटना होगा। कैसे? मैंने भी सरकार की तरह एक प्लान सोचा है। अच्छा, प्लान सोचा है? वो क्या प्लान है भाग्यवान, जरा सुनाओ तो सही। क्यों ना तलाक ले ले? तलाक? इस तरह जायदाद बट भी जाएगी, बच भी जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात कही है मम्मी, तुम्हें तो सरकार का प्लानिंग मिनिस्टर होना चाहिए था। क्यों डैडी, ठीक है ना? ठीक कहते हो बेटे, हिंदुस्तान वाकई तरक्की कर गया है। ये भारत की नारी जायदाद के लिए अपना पति छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई है। वाह 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 वाह, लेकिन तुम दोनों कान खोल कर सुनो, मेरी दौलत में से तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा रंग देख लिया है, तुम्हारा ढंग देख लिया है, इसीलिए मैंने वसीयत की है कि मेरी सारी जायदाद मेरे मरने के बाद राजू को मिले। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं अभी जाती हूं डॉक्टर के पास, जिसने मेरा घर फूंक के तमाशा देखा। तुम तो रो रही हो। मैं तो अपने पति के घर आने के लिए रोती थी और तुम वहां जाते हुए रो रही हो। नहीं, ये बात नहीं, तुमसे बहुत खुल मिल गई थी ना, इसलिए तुम्हें छोड़ते हुए दिल रो रहा है। मम्मी, मम्मी, खाना दो मुझे। चलो पिंकी, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मैं मम्मी के हाथ से खाऊंगी। आज आखिरी बार मेरे हाथ से खा लो ना। क्यों, तुम जा रही हो कहीं? अगर तुम कहती हो तो चली जाऊंगी, फिर वापस कभी लौट के नहीं आऊंगी। तो चली जा, मैं तुम्हें वापस बुलाने वाली नहीं। पिंकी, बड़ों से इस तरह बात की जाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? रहने दो, बहन बच्ची तो है। पिंकी, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया कि वो तुम्हें लेके तुम्हारे डैडी के पास जा रही है? डैडी यहाँ है, फिर जाना कहाँ है? कहीं भी, तुम्हारी मम्मी जानती है। आओ बहन, मैं खाना परोसती हूँ। मम्मी, आंटी के पेट कुछ ढीले है क्या? पिंकी, और क्या, डैडी यहाँ है और वो कहते हैं हम डैडी के पास जा रहे हैं। पिंकी, चुप करो, जाओ जाके खाना खा लो। आप राधा से कुछ न कहिए, मैं उससे बात करूंगा।
भाई साहब आप अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आज ही मैके जा रही हूँ। अब मैके नहीं जा रही बहन, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है। आज राधा को बताना ही पड़ेगा सच्चाई क्या है। कौन सी सच्चाई? यही कि उसका पति गुजर चुका है। क्या वो ये सहन कर सकेगी? मेरा ख्याल है कि वो सहन कर सकती है। भगवान उसे शक्ति दे। आप बैठिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। राधा इसे मैं खाना खिलाती हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे भैया आ गए हैं। भैया भैया ये क्या, न चिट्ठी न तार, तुम ऐसे चले आए? बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं था, दिल उदास हो गया इसलिए तुझसे मिलने चला है। अच्छा क्या तुम आ गए, मगर पद्मा बहन यहाँ से जा रही है। अच्छा पूछो कि नहीं क्यों जा रही है? सच पूछो तो मैं ही उसे यहाँ से भेज रही हूँ, अपने घर को बदनामी से बचाने के लिए। बदनामी? हाँ मुझे तो कल ही मालूम हुआ वो माँ बनने वाली है। उसका पति उससे 2 बरस से नहीं मिला, फिर ये बच्चा कैसे? तू गलत समझे राधा, तुझे नहीं मालूम। राधा राधा मुझे मैं तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मुझे पद्मा बहन के जाने की तैयारी करनी है। जो कुछ कहना होगा बाद में कह देना। सुन राधा, सुन ले नहीं जो कुछ कहना चाहते हैं, शायद कोई खास बात हो। ऐसी क्या खास बात है? अच्छा जो कुछ कहना है जल्दी से कह दो ना। पहले बैठ जाओ ना। क्यों, क्या मैं खड़ी खड़ी नहीं सुन सकती हूँ? या तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हारी बात सुनते ही भाग जाऊंगी? बैठ जाना राधा। चलो मैं बैठ गई, अब बताओ जल्दी। राधा कुछ लोग दिवाली से डरते हैं, कुछ लोग ब्याह की शहनाइयां नहीं सुन सकते, बता सकती हो क्यों? तुम हंस क्यों रही हो? हंसो नहीं तो और क्या करूं, तुम्हारा सवाल ही ऐसा है। लेकिन मैं पूछती हूँ क्या ये इतना जरूरी है कि अभी इसके बारे में सोच विचार किया जाए? हाँ राधा। सीधी सी बात है, दिवाली की रात कोई पटाखा छूटा हो और किसी गरीब का घर जल गया हो, उसके मन में डर बैठ गया, और इसी तरह किसी शुभ विवाह पर कोई अशुभ बात हो गई हो तो उसके भी मन में डर बैठ गया हो, और जब भी दिवाली की रात आती हो या ब्याह की शहनाई बजती हो तो उनका डर उन्हें और भी डराने लगता हो। मगर ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बातों से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि आदमी को किसी भी हाल में डरना नहीं चाहिए, उसे हर वक्त हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हे भगवान जाने इतने लंबे चौड़े भाषण किस लिए? देखो मैं किसी बात से नहीं डरती और हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ। हर चीज का? हाँ हर चीज का। राधा अब जो कुछ मैं तुम्हें कहने वाला हूँ उसे गौर से सुनो और अच्छी तरह सोच के जवाब देना। तुम्हें याद है तुम्हारी सुहाग रात को क्या हुआ था? तुम्हें नहीं मालूम क्या? मुझे तो मालूम है लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। तो फिर तुम्हें बताओ। पद्मा, 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 आ मामी जी, आ। पद्मा, आज मैं तेरे पति के कान खींचने आई हूँ। क्या बात है मामी जी? आ हा हा, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, आज मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा खोलने आई हूँ। मामी जी, अरे छोड़ मुझे, जो हो रहा है आज मैं जी नहीं रहूंगी, आज मैं बताती हूँ, मेरा घर फूंक दिया, ये सब इसका क्या है? पर हुआ क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारे पति ने तो मेरा घर ही फूंक दिया। एक पागल लड़के को इलाज के लिए हमारे घर ना पटका, हमने जी जान से उसकी देखभाल की। अब जानती हो तुम्हारे मामा जी क्या कर रहे हैं? क्या? अपनी सारी जायदाद उसके नाम लिख रहे हैं, पराए को अपना बेटा बना लिया, अपने सगे बेटे को बनवास दे रहे हैं उसकी माँ के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें तब पता लगेगा जब वो आग तुम्हारे घर भी लगेगी, और वो आग जल्द ही लगने वाली है। एक मरीज यहाँ भी लाई गई है ना, राधा, जो सुहाग की रात को ही विधवा हो गई थी। मामी जी, उसे अभी तक नहीं पता कि उसका पति मर चुका है और तुम्हारे पति देव की शक्ल उससे मिलती है। तुम्हें मालूम नहीं बेटी, इस इलाज के पर्दे के पीछे डॉक्टर और मरीज में क्या खेल खेला जा रहा है। मामी जी कुछ तो सोचिए, आप क्या कह रही हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ, लड़की जवान है, खूबसूरत है, और फिर तुम्हारा पति भी कौन सा बूढ़ा है। याद रखो तुम्हें भी एक दिन ये घर छोड़ना पड़ेगा, जैसे मुझे आज अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। राधा को पता नहीं कि उसका पति मर चुका है और तुम्हारे पति देव की शक्ल उसके पति से मिलती है। राधा राधा सुनो, तुमने जिस नाव में डॉक्टर बाबू आ रहे थे वो नाव नदी में डूब गई। वही राधा
जो सुहाग के रात को विधवा हो गई। राधा को पता नहीं कि उसका पति मर चुका है और तुम्हारे पति देव की शक्ल उसके पति से मिलती है। राधा, राधा सुना तुमने? जिस नाव में डॉक्टर बाबू आ रहे थे वो नाव नदी में डूब गई। राधा को पता नहीं उसका पति मर चुका है। राधा को पता नहीं उसका पति मर चुका है। राधा को पता नहीं उसका पति मर चुका है। राधा को पता नहीं उसका पति मर चुका है। देख रहा हूँ रो मत भैया। एक विधवा, सुहाग की चूड़ियां, माथे की बिंदियां और मांग का सिंदूर उधार मांग के कब तक सुहागन रह सका? लेकिन मुझसे देखा नहीं जाता राजा, मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी आंखों की गंगा जमुना आज ही नहा दो भैया, थोड़े से तो आंसू संभाल के रखो मेरी मौत के दिन के लिए। ऐसा नहीं कहते राधा, ऐसा नहीं कहते। मैंने तो सारे दुख दर्द अपने सीने में छुपा लिए ताकि तू जिंदा रहे। तुम बहुत भोले हो भैया। उनकी मौत के बाद भी जब भगवान ने मुझे जिंदा रखा तब मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। तुम्हें तुम्हारी बहन की सौगंध भैया, आंसू पूंछ लो। मैं तो मंदिर में पत्थर के गड़े हुए देवी देवताओं का पूछते रही हूं अब तक। मुझे क्या मालूम था वो जिंदा इस दुनिया में ऐसे घर में रहते हैं। मुझे अपने चरणों को छू लेने दो राधा। हाँ बहन, तो शायद मेरे पाप का कुछ प्रायश्चित हो जाए। ऐसा ना कहो राधा, हमने एक माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, फिर भी मुझे मालूम होता है तुम मेरी सगी बहन हो। तो सुनो बहन, आज से मैं हर सांस के साथ भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मैं हर जन्म में तुम्हारी बहन बन के आऊं इस संसार में। आप ही मुझे क्षमा कीजिए डॉक्टर बाबू, आपने मुझे सुख पहुंचाने के लिए कितने दुख उठाए हैं, मेरे होंठों पे हंसी लाने के लिए आपने जाने कितने आंसू पिए होंगे। राधा, मैं एक डॉक्टर होने के नाते से नहीं बल्कि एक हमदर्द होने के रिश्ते से कह रहा हूं, इंसानों की इस दुनिया में कभी कभार तुम्हारे जैसा एक फूल खिलता है। हमने कोई कुर्बानी नहीं की, सिर्फ उस फूल को मुरझाने से बचाने की कोशिश की है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, ये कैसे भूल गए? डालियों से टूटे हुए फूल फूलदानों में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। पिंकी, तुम चाहती थी ना मैं यहां से चली जाऊं? लो मैं जा रही हूं। मैंने तो मजाक किया था। मजाक सच्चा हो गया तुम्हारा। देखो मैं कितने दिन तुम्हारे घर रह चली हूं, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगी मुझसे मिलने? तुम्हारा घर कहाँ है आंटी? गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव है और उस गांव में एक छोटा सा घर है और उस घर में एक विधवा रहती है अपने भैया के साथ। आओगी ना? आऊंगी। ओ भैया चले।
राधा देख तो सारा गांव आया है तुझे लेने के लिए। उठ राधा, 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 राधा।